रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खरीद से होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो स्पेशली बहुत ज़बरदस्त है और पूरे पाकिस्तानियों के लिए कह रहे हैं कि बैंकिंग के ऊपर है, ऑनलाइन बैंकिंग। कि हमें पहले बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए जाना पड़ता था, बैंक में लाइन में लगो, अपना प्रूफ इनकम दो, एटसेट्रा काफ़ी चीज़ें देनी पड़ती थी, जिसके बाद हमें जाके जो है वो बैंक अकाउंट ओपन करने का आसान तरीका था कि वो खुल जाता था। लेकिन अब जो हुकूमत ने एक नई पॉलिसी दी है, उसके मुताबिक हम घर बैठे अपने मोबाइल जो है ना, ये एंड्रॉयड मोबाइल है या आप कह रहे हैं आईफोन है, इसके ऊपर बैठे बैठे एप्लीकेशन बना के डाउनलोड करके, तो वहाँ से अपना मोबाइल अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और करंट अकाउंट बनाना चाहें, सेविंग अकाउंट बनाना चाहें, कोई भी अकाउंट जो वहाँ दे रहे होते हैं सर्विसेज, वो सारे आप यहाँ घर बैठे बना सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल तरीक़ेकार है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। अल्फला का भी है, इसके बाद अलाइट का भी है और बैंकिस का भी है। ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि आप घर बैठे जो अपना मोबाइल अकाउंट बनाएं, मोबाइल से ही बैंक अकाउंट बनाएं, वहीं पे आप अपने डिटेल्स देंगे, आप आईडी वेरिफिकेशन वहीं पे करेंगे, जो अपलोड करेंगे अपना आई कार्ड अपलोड करेंगे, बिल की डिटेल देंगे या जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। कोई सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, कोई आपका प्रूफ ऑफ इनकम नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वहीं पे सिर्फ आपने अपनी डिटेल्स पुट करनी है और आपका अकाउंट जो है फ़ौरन बन जाएगा। आप अपना एटीएम कार्ड यहीं से ऑर्डर कर सकते हैं, चेकबुक यहीं से ऑर्डर कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन से, ठीक है। आपको बिल्कुल सिंपल तरीक़ेकार है। और अगर यार चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दो। उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो यार खैर है, कमेंट वगैरह भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। और चलते ज़रा स्क्रीन पे वहाँ पे और वीडियो पूरी देखना, तभी समझ आएगा प्रॉपर जो है अकाउंट बनाने का जो तरीक़ेकार है। तो चलें ज़रा मोबाइल स्क्रीन पे ही चलते हैं और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो अकाउंट है अल्फ़ला बैंक अल्फ़ला, उसकी एप्लीकेशन का नाम अल्फ़ा है, तो वो किस तरह से हमने बनाना है। एप्लीकेशन पहले डाउनलोड करेंगे, उसके बाद हम जो है बैंक अकाउंट उसको क्रिएट करेंगे। चलते हैं ज़रा मोबाइल स्क्रीन पे और वहाँ जाके आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं मोबाइल से। जी हम स्क्रीन पे आ गए और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अल्फ़ला बैंक की जो एप्लीकेशन है उसका नाम है अल्फ़ा। आप अल्फ़ला नहीं, आप अल्फ़ा के नेम से सर्च करेंगे जब अपने इसमें आके प्ले स्टोर में, तो ये एप्लीकेशन है अल्फ़ा बाय बैंक अल्फ़ला, ठीक है। इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन के अंदर, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल तरीके का है कि आप घर बैठे जो मोबाइल से अकाउंट अपना बैंक अल्फ़ला का खोल सकते हैं, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ही अच्छा इकदाम है, ये हैं बैंकों की तरफ से या कह लें हुकूमत की तरफ से, जो इन्होंने ये सहूलत घर में दे दी है। क्योंकि बैंक में जाके भी काफ़ी परेशानी का बायस बनता है कि जी अभी वो सैलरी स्लिप ले के आओ, फलानी चीज़ प्रूफ ऑफ इनकम ले के आओ, इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो वहाँ पे आपको करनी पड़ जाती हैं और लाइन में लगना और अजाब बनता है। लेकिन जो लोग मोबाइल चलाना जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको तो चाहिए कि अगर उन्होंने बैंक का अकाउंट खोलना है तो घर के अंदर बैठे बैठे ही अपना मोबाइल ओपन करें, इंटरनेट है बस, प्ले स्टोर खोलें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपना अकाउंट जो है वो यहीं पर क्रिएट कर लें। तो और बैंक्स भी जो हैं ये सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन किसी का ये है कि वो आपको डेस्कटॉप पे करना पड़ता है, तो इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी तो बैंक अल्फ़ला पे बना रहे हैं, अभी ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है आपके सामने, मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड करने के बाद यहीं मोबाइल के अंदर जो है हम इसको ईज़िली अकाउंट अपना जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और एकदम तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, तो अल्लाह करे अभी ये हो जाए ज़रा, बल्कि मैं वीडियो पास कर रहा हूँ, ये भी इंस्टॉल होती है। जी ये हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद हम इसको करेंगे ओपन, ठीक है जी। अल्फ़ला बैंक की ये एप्लीकेशन है अल्फ़ा, ठीक है। इसको आप अलाउ कर दें जो जो चीज़ भी मांग रहे हैं, क्योंकि जहरी सी बात है इसने वेरीफाई भी करना है, वेरीफिकेशन के लिए इसको ये परमिशन चाहिए होंगी एप्लीकेशन को आपके मोबाइल में से, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू फीचर, अ न्यू फीचर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन अल्फ़ा ऐप वेयर यू कैन इनेबल योर टच और फेस आईडी टू अनलॉक योर अकाउंट, ठीक है। इनेबल नाउ, इनेबल कर लेते हैं, सॉरी अभी तो हमने रजिस्टर करना है ना, तो अभी हम जो रजिस्टर करेंगे। ऑलरेडी बैंक अल्फ़ला अकाउंट होल्डर हमारे पास ऑलरेडी नहीं, अगर ऑलरेडी अकाउंट होगा तो हम जाहिर सी बात है इधर जो है वो साइन कर सकते हैं, उसका यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। अब ये कह रहे हैं न्यू टू बैंक अल्फ़ला, तो हमने क्लिक करना है न्यू टू बैंक अल्फ़ला, क्योंकि हम बिल्कुल नए हैं, इसे हमने बैंक अल्फ़ला का अकाउंट नया जो है ओपन करना है। इंटर योर अल्फ़ला प्रोमो, इंटर प्रोमो कोड टू अवेल इंस्टेंट रिवार्ड्स ऑन अल्फ़ा अकाउंट ओपनिंग, हमारे पास तो नहीं है तो हम इसको जो है स्किप कर देंगे, ये ऊपर स्किप का ऑप्शन है। चूज़ योर अकाउंट, अब यहाँ अल्फ़ा का अकाउंट है, अल्फ़ा इस्लामिक है और एस पैसा है, आप जौन सा भी अकाउंट बनाना चाहें आप अल्फ़ा पे सिलेक्ट कर लें, क्योंकि मेन अकाउंट जो इनका वो यही है। आई वांट टू ट्रांजैक्ट, सेव एंड ट्रांजैक्ट, रिसीव रेमिटेंस, अब यहाँ पे क्या चीज़ आप जो है
आप ट्रांजैक्शंस भेजना भी चाहते हैं, करंट अकाउंट टू पे बिल्स, टॉप अप योर मोबाइल बैलेंस, ऑर्डर फूड, शॉप ऑनलाइन एंड मच मोर। ठीक है, सेव एंड ट्रांजैक्ट क्या है, अर्न अप टू 6.20% एनुअली विद नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन डेली बैलेंस एंड क्रेडिटेड मंथली। ठीक है, टैक्स एंड सर्विसेज जो ये TNC वो अप्लाई होगा। रिसीव रेमिटेंस ओनली योर अल्फा रेमिटेंस वॉलेट एंड इन्जॉय फ्री एयर टाइम इक्विवेलेंट टू PKR2 अगेंस्ट ईच USD रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। अगर आप बाहर से पेमेंट आपकी रिसीव होनी है तो आप ये अकाउंट खोल दें। ठीक है, अदरवाइज सेव एंड ट्रांजैक्ट यानी कि आप 6.20% जो एनुअल है वो किसी भी मिनिमम बैलेंस के बगैर जितना भी बैलेंस पड़ा होगा उस पर आप जो है प्रॉफिट आपको आएगा। और यहाँ पे है करंट अकाउंट जो ट्रांजैक्ट है। ठीक है ना, आप सिंपल ट्रांजैक्ट का अकाउंट खोल लें अगर आप करंट अकाउंट खोलना चाह रहे हैं। अगर आप सेविंग अकाउंट खोलना चाह रहे हैं तो आप सेकंड वाले पे जो है उसको क्लिक करेंगे। मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स देनी है। डिटेल्स कौन सी, CNIC नंबर देना है 6719। ठीक है, CNIC इशू डेट, अब ये इशू डेट जो आपके CNIC के ऊपर दी हुई होगी आपने वो देनी है। तो अब मैं अपने जो इशू डेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करके तो उसको यहाँ पे लगाएंगे, ये 24th of May 2016। ठीक है, ये जब कार्ड इशू हुआ है। मोबाइल नंबर जो आपका मोबाइल नंबर है जो आप मोबाइल नंबर रखना चाह रहे हैं, उसके बाद आपने ये एग्री करना है, ये जो बॉक्सेस हैं इनको चेक करना है। आई एम नॉट अ सिटीजन और टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान के अलावा किसी भी और कंट्री का जो है रेजिडेंट नहीं हूँ। प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद PTA इन माई नेम, तो सॉरी ये मेरे नेम पे नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा और यहाँ पे नंबर जो है मेरे नेम पे है 03216622050। डन, ठीक है, इसको हम कर देंगे CNIC शुड बी यहाँ पे नंबर गलत हो गया। ओके हो गया, ठीक है, अब हम करेंगे प्रोसीड। यानी कि अपनी जो डिटेल्स हैं जन्म डिटेल्स आप वही सिर्फ डालेंगे, इसके अलावा जो है वो कोई डिटेल आप नहीं देंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप 6 digit हैव बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, डिड नॉट रिसीव कोड रिसेंट। अब मेरे मोबाइल नंबर पे उन्होंने कहा है जी हमने आपको कोड भेज दिया 6 digits का। ठीक है, वो हम ऊपर यहाँ पे 993731993731। ओके, कोड आ गया। अब हमने अपना जो है कोड जो है वो इंटर करना है, यानी कि पिन कोड बनाना है, कोई भी अभी लगा लें, बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब पासवर्ड, जहरी बात है पासवर्ड भी लगाना है ज़रूरी। ठीक है, तो आप यहाँ पे पासवर्ड भी अपना देंगे। तो यहाँ पे आप पासवर्ड कोई भी दे सकते हैं, 3456। ठीक है, डन। इसके बाद हम करेंगे प्रोसीड। ठीक है जी, अब वैसे बाद में भी अपना पासवर्ड और ये जो पिन है इसको आप चेंज कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है इस चीज़ के ऊपर। ये मेरा आप देखें, उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में दे दी हैं, हर चीज़ ओके हो गई। ठीक है जी, नेम फादर्स नेम दे दिया, प्लेस ऑफ बर्थ तांदलवाला, देन सिटी ऑफ स्टे, यहाँ भी हम तांदलवाला ही लिखेंगे अगर आएगा तो। तांदलवाला नहीं आया सो फैसलाबाद, ये आ गया जी फैसलाबाद। ठीक है जी, नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ ओके हो गई। Fields can not be left blank. Mother's maiden name. Okay, जी, अब proceed. अब वो कह रहे हैं जी अपना please upload the image of CNIC front side. अब ये हम अपनी जो picture है CNIC की
वो अपलोड करेंगे, और वो अपलोड करने के लिए अगर हमारे पास मौजूद है तो दी बेस्ट है, अदरवाइज़ आई थिंक आपको फ़ौरन जो है उसको बनाना भी पड़ेगा। ये हम अपनी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करेंगे फ्रंट साइड की, जैसे कि उन्होंने मांगी है। सीनेसी इज इनवैलिड। स्किप एंड ओपन कैमरा। सिंपल तरीकाकार, अगर आपकी जो है वो पिक्चर अपलोड नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, ओपन कैमरा करके फ़ौरन पिक्चर बना लेनी है। अगर ये यहाँ पे करेगा, हाँ ये नहीं कर रहा। स्किप एंड ओपन कैमरा, होल्ड योर सीन आई सी। जी ये इसने पिक्चर बना ली, अब बैक साइड की पिक्चर होगी। जी ये बैक साइड की पिक्चर आ गई। दोनों पिक्चर्स लेने के बाद इसको प्रोसीड कर देंगे। डिटेल्स हमारी तकरीबन सारी की सारी जो हमने वो अपलोड कर दी हैं अल्फा ऐप के ऊपर, और हमारा जो अल्फला का बैंक अकाउंट है ये ओपन होने वाला है। जी ये देखें, ये डिटेल्स आ गई। डिटेल्स क्या आ गई, उन्होंने कहा योर अल्फा अकाउंट हैज़ बिन ओपन सक्सेसफुली, फ़ौरन अकाउंट ओपन हो गया। अकाउंट लिमिट क्या है जी, डेली लिमिट 25,000 की है, मंथली लिमिट 50,000 है, मैक्सिमम बैलेंस 2 लाख क्या है, ठीक है ना। तो इसको हम कोई इशू नहीं है, आप इजीली जो इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब ये इनेबल करवा रहा है, ये हमें कहता है जी अपना दें पिन कोड। पिन कोड दे के यहाँ पे, हाँ ये देखें सारा कुछ यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। अब ये डेली की लिमिट भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा पैकेज फीस नॉट एप्लीकेबल ऑन कस्टमर रजिस्टर्ड ऑन अल्फ़ा वाया क्रेडिट कार्ड वॉलेट और ऑर्बिट, ठीक है जी। ये लिमिट जो है इनकी मुख्तलिफ डेली की है, या आप बाकी सेटिंग्स वगैरह खुद देख लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है इनका, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। तो सिंपल अकाउंट क्रिएट करने का तरीका कार आपको मैंने बता दिया इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से आपने अकाउंट अपना जो है वो क्रिएट करना। मेरा ऊपर ये आपके सामने नेम आ गया है, ठीक है। अकाउंट ओपन हो गया, मैं अपनी पिक्चर वगैरह भी लगा सकता हूँ, सेंड मनी, मोबाइल टॉप अप, बिल पेमेंट्स, माई पेज, यहाँ पर बेनिफिशरीज ऐड कर सकते हैं। यानी कि अब एक बैंक अकाउंट जो आपका अल्फला का है वो आपको बैंक में जाके खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल में ही घर में बैठे बैठे आप अपना जो बैंक अकाउंट है अल्फला का वो इजीली ओपन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो अच्छी रही होगी, लोगों को फ़ायदा होगा जो लोग घर बैठे अकाउंट खोलना चाहते हैं, जिनको बैंक जाके अक्सर मुसीबत पड़ती है यार, वो कभी कुछ मांग लेते हैं कभी कुछ मांग लेते हैं। तो अकाउंट खोलना सो सिंपल, घर में बैठे आप जनाब अकाउंट खोल सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।